सोनाली फोगाट मामले में जहां एक तरफ गोवा पुलिस ने कन्फेस्ट करवाकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, वहीं ओवरऑल ये गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह है गुरुग्राम का एक फ्लैट। गुरुग्राम सेक्टर 102 में 901 नंबर का वो फ्लैट जिस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वजह यह है कि इस फ्लैट में सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के साथ गई थी और इसी गुरुग्राम वाले फ्लैट से वो डायरेक्टली गोवा चली गई थी। यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई है कि इस फ्लैट की वेरिफिकेशन के लिए सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया था। रिपोर्ट्स में दावा यह किया जा रहा है कि इस फ्लैट को रेंट पर सुधीर सांगवान ने नहीं बल्कि सोनाली फोगाट ने लिया था। इसकी बकायदा वेरिफिकेशन की डिटेल सामने आई है कि इसे वेरीफाई किया गया और वेरिफिकेशन में ये दिखाया गया कि सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट पति पत्नी है। अब ऐसा कंसेंट के तौर पर हुआ या फिर यह जबरदस्ती करवाया गया या फिर ऊपर से प्रेशर डाला गया, ब्लैकमेलिंग की गई, यही है वो बातें जो सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि अगर सोनाली फोगाट को कोई आपत्ति थी तो उन्होंने सुधीर सांगवान के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 102 में 901 नंबर का फ्लैट रेंट पर क्यों लिया, और अगर उन्हें ब्लैकमेलिंग का लगातार सामना करना पड़ रहा था तो उन्होंने इतने वक्त तक पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। इस पूरे मामले में कई ऐसी अनछुई बातें हैं जो सामने आनी बाकी हैं, लेकिन गोवा पुलिस ने कन्फेस्ट करवाकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि ये सबसे बेहतर तरीका होता है, क्योंकि कोई अगर अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या 7 साल की सज़ा होगी और उसके बाद सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सच क्या था, क्या हुआ था सोनाली फोगाट के साथ और क्या उनके साथ कई सालों से हो रहा था, इस बात का पता शायद कभी नहीं चल पाएगा। हाँ, हालांकि एक उम्मीद जताई जा रही है कि सोनाली फोगाट का केस अगर CBI को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो CBI इसकी जांच बेहतर तरीके से कर सकती है, और इसका आश्वासन मनोहर लाल खट्टर सरकार ऑलरेडी दे चुकी है कि अगर परिवारजन चाहें तो CBI इस मामले की जाँच करेगी। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में उम्मीद ना के बराबर है कि परिवार यह चाहेगा कि CBI इस पूरे मामले की जांच करे। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि सोनाली फोगाट के जो नशीला पदार्थ पिलाया गया था वो MDMA था। हालांकि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसे ड्रिंक में मिलाकर पिलाया गया। पूरे मामले में हैरत की बात यह है कि अगर घर वालों ने ऑब्जेक्शन ना उठाया होता तो बड़ी आसानी से ये दुनिया मान लेती कि सोनाली फोगाट हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गई है। इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद एक बात तो तय है कि ना जाने ऐसे कितने मामले होते होंगे जो हार्ट अटैक के बताए जाते होंगे, लेकिन उनके पीछे की वजह दरअसल एक साजिश हुआ करती होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।